गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम सुबह सुबह हमने स्टार्ट कर दिया, बट काफ़ी पहले हम लोग उठ चुके हैं, वॉक भी हो गई है और अभी जस्ट हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे सब्जी खरीदने, फ्रूट्स खरीदने। आज है छोटी होली तो बस उसी की शॉपिंग चल रही है। पकौड़े बनते हैं ना आज हमारे घर में, कढ़ी बनती है शाम को, तो पकौड़े के लिए सारी जो वेजीज वगैरह हैं वो ले ली हैं। हुआ तो कल ही हाँ, तो कल वो के लिए केला थोड़ा नरम ही चाहिए होता है। वैसे ठीक है, बाहर रखेंगे। नरम चाहिए था जब ले आया तो उसके बाद बता मैंने दिया। देखो वही तो सुनते रहे, मैंने कहा थोड़े पक्के पक्के केले लेना जाने से पहले, बोला तुमने। हाँ अच्छा, ये रोज का काम हो गया, मैं कुछ बोलती हूँ सुनते ही नहीं है, फिर बोलते तुमने बोला है। चाय एक अच्छी वाली, कल शाम की चाय अच्छी नहीं लगी मुझे। चाय पियेंगे, कल लेट सोए ना तो एक सुस्ती सी उतर ही नहीं रही है। सिद्धार्थ का एक्चुअली कल ना वो था, कॉन्सर्ट था उसका और उसकी क्लास थी, सैटरडे था तो मुझे लेकर जाना था, तो पूरा दिन घर से बाहर ही रहे समझो। 4 बजे आए तो मतलब मैं और सिद्धार्थ बाहर रहे तो ऑफिस ही गए थे, इनकी ऑफिस पार्टी थी कल होली की। अच्छा, ये तो इसी वजह पिचकारी वगैरह कुछ लेनी होगी, पिछले साल का कुछ है? पिचकारी पिछले साल की थी लेकिन टूट गई, वो लेनी पड़ेगी। वो गुलाल भी रखा हुआ है कहीं पर, मुझे मिलता कहाँ है, रखना ही नहीं चाहिए, इससे बेहतर तो रखने का फायदा नहीं होता, पता है आपको। गुलाल ज्यादा लेना भी नहीं है, नहीं एक एक पैकेट बस है। तो कल भी पूरा दिन टाइम नहीं मिला, कुछ कुछ तैयारी है जो कल के लिए करनी है, जैसे मुझे चटनी बनानी है, वो लाल वाली चटनी बनानी है, इमली वाली, वो सब मैं आज ही करूँगी। चलिए पहले घर पहुँचते हैं और सबसे पहले तो चाय पीते हैं। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या कहते हैं उसको, भी पता ही नहीं है, कहते क्या तो ढूंढ। अदरक, अदरक। अच्छा दे रही हूँ, तो दे अदरक। वॉश नहीं है? वॉश कर लिया ना मैंने। कब? अरे तेरे को क्या समझे तुम, अभी अभी धो के निकाला इसको। किसको? इसी को। ये अच्छा उसको, हाँ अब उसको फेंक दो, मैं नहीं पी सकती भाई। तो क्या हो गया? नहीं 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 ना ना भैया, जैसे कॉफी में फेन लाते हैं ना वैसे से करते हैं ना, तो उससे और चाय पकती है। इतनी बढ़िया चाय बनाई है ना आज हस्बैंड ने, मैं क्या बताऊँ, मैं एकदम चिपक गई हूँ, जब तक चाय खत्म नहीं होगी उठूंगी नहीं यहाँ से। सिद्धार्थ वहाँ उठा है, वो बुलाता है, वो जैसे ही सो के उठता है ना उसके मुँह से पहला वर्ड निकलता है मामा, तो मैं फिर उसके पास जाती हूँ, थोड़ा सा एक दो मिनट कुची पुची होता है, उसके बाद ही उठता है। तो उसने भी बुलाया तो मैं गई नहीं हूँ, ये गए। चलो थोड़ी तारीफ कर देते हैं इनकी, बहुत ही बढ़िया बनाई आपने चाय, इतनी बढ़िया बनाई कि सारे दिमाग के तार मेरे खुल गए। उसका ट्रिक्स मुझे पता है ना, मैं बार बार उसको बनाता नहीं था, ट्रिक तो मुझे पहले भी पता था, अदरवाइज क्या होगा कि फिर मंडे से लेकर संडे मैं ही बना रहा हूँ। चलो आज मैं ये राज खोल देता हूँ तुम्हारे सामने, जब चाय बना दो तो जब तक वो उबल रहा है फुल टॉप पे कर दो उसको, फ्लेम पूरा हाई। सुन लीजिए रेसिपी दोस्तों, फ्लेम पूरा हाई और चमचा लेना है, छन्ना बोलता है ना उसको, क्या छन्नी छन्नी छन्नी, हाँ क्या हुआ, बाल उसमें फंस गया, ऐसे बाल खींचते ना छन्नी से लेके उसको ऐसे ऐसे उछालना, हाइट देते रहो उसको ऐसे से लेके, हाँ और उसमें से जब वो निकलता है ना फैन टाइप का, क्या कहते हैं उसको, बबल्स, बबल्स जैसे कॉफी में आते हैं, हाँ बबल्स नहीं कहते उसका, कोई टेक्निकल वर्ड होता होगा, गो एंड फाइंड दैट, गूगल इट, ऐसे ऐसे करके उसको और जितनी देर करोगे उतना बढ़िया चाय बनेगी, इतनी ही बढ़िया बनेगी। समझ गया दोस्तों, सही बता रहा हूँ, ये देखना तुम्हें क्लियरली, उसको आपने चढ़ा के छोड़ दिया तुमने और वो अपना पक रहा है, वो पकना और ये वाला पकने में डिफरेंस है। ये कब फाइंड आउट किया आपने? ये मुझे बहुत पहले से पता था, मैं जब भी चाय पीता हूँ देखता हूँ, लोग ऐसे ऐसे इसलिए करते रहते हैं, चाय वाले तो करते रहते। चाय वालों का एक और सीक्रेट है, उनका जला हुआ पतीला, उससे स्मोकी फ्लेवर ऐड होता है चाय में, क्योंकि उसी में वो बार 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 चाय बनाता है। क्या कह रहे थे बेटा? यस सिद्धार्थ, पिचकारी लेने जाना है तुझे, चार गेट रेडी ना, बलून्स के ले लेंगे
और एक पैकेट में तीन। तुम लिस्ट बनाओ मेरे भाई, वहाँ भूल जाओगे लिस्ट। और गुलाब लेंगे और थोड़ा पक्का कलर लेंगे आपके। पक्का कलर नहीं लेना मैंने। पक्का कलर नहीं खेलेंगे भाई हम, जिसको खेलना है खेलेंगे। तुमको नहीं पक्का कलर से मत खेल बेटा, एग्जाम में फिर स्प्रे लूंगा। वो स्प्रे बहुत डेंजरस होता है। नहीं भाई ये सब चीजें हम नहीं नहीं दिलाएंगे और नहीं खेलने देंगे। किसी की आंखों को सिर्फ गुलाल, ओनली गुलाल। मैं तो बोल रहा था वो लाएगा तुम्हें। नहीं नहीं होता, और स्प्रे बच्चे क्या है एकदम क्लोज होके मार देंगे। हाँ। सीधा आंख में जाएगा वो। पहले कौन सी बात तुम बताओ। ये वही है जो मैं बोल रहा था ना। इसमें निकाल लीजिएगा दूध से। इसमें से पानी भर दियो, पानी भरा इसमें ऐसे लगाया पानी भर के और ऐसे ऐसे करके। ये नहीं वो तो आप ही नहीं रहा। चलो हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी छोटी होली। कितने लोग हो तुम लोग? दो। और वो तनिष नहीं आया? तनिष नहीं आया बेटा, बुलाने नहीं गए हम दो ही भी। सबको कोई परेशान करे तो बता देना। वो तनिष को भी बुला, उसके बाद भी बहुत मारूंगा। हां आई सबको दो। ध्यान से सुनो, गीले में भागा भागी नहीं करना। गुड इवनिंग। मॉर्निंग के टाइम में मैंने जो थोड़ा सा शूट किया उसके बाद फिर अभी शूट नहीं कर पाई, थोड़ा वीडियो वीडियो के काम में फंसी हुई थी। और अभी आपको सारा बवाल भूचाल सब कुछ किचन में दिखेगा, क्योंकि अभी खूब सारी तैयारी कटिंग चॉपिंग ये सब हुआ है। क्योंकि भाई बनेंगे पकौड़े, तो पकौड़े एक तरह के नहीं कई तरह के बनते हैं आज, क्योंकि आज है होलिका दहन। तो कढ़ी बनता है हमारे यहाँ, चावल बनता है, पकौड़े बनते हैं कई तरह के। वो अभी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। और सिद्धार्थ अभी से खेलने चला गया, मतलब शाम को बोल के गया है कि सूखी होली खेलूंगा मैं, गुलाल वगैरह पूरे पैकेट के पैकेट घर से लेके गए हैं बच्चे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आता है, एक घंटे बाद कहता है बच्चों ने पानी खेलना शुरू कर दिया, तो अब मैं बदला लेने जा रहा हूँ। मतलब ये भी इनकी ट्रिक्स हैं बच्चों की सब खेलने की। और अब एक घंटे से वो पानी वाला खेल रहा है, शाम होने को आई है। और यही रहता ना, दिन में तो तुम सुबह खेल लो पानी वाला तो ठीक रहता है, शाम वाम को पानी वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मुझे पानी वाली होली ना थोड़ी कमी जमती है, मैं सच बताऊँ। सूखे गुलाल वगैरह थोड़ा सा तिलक लगा लो हल्का फुल्का, वो भयानक वाली होली मुझे उतनी पसंद है नहीं, उतनी क्या मुझे पसंद नहीं है। अब वो पानी से भीग भीग के बच्चे खेल रहे हैं, इनको भेजा है मैंने कि जाओ लेकर के आओ, तो बोल रहा है 10 मिनट में आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा किचन उचन सेटल कर लूँ, एक बार वाइप कर लूँ गैस को, क्योंकि पहले सबसे वो पकौड़ियाँ बनती हैं जो वहाँ होलिका दहन में चढ़ाई जाती है ना, 5 पकौड़ियाँ, उसके लिए थोड़ा क्लीनिंग करके फिर शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो इधर दिखा दूँ मैं, ये है देसी धनिया, ये अलग से मैं लेकर आई थी चटनी के लिए। तो ये बड़े से बाउल में ना अच्छे से खंगल करके साफ हो जाता है, तो मैंने इसी में रख लिया। पुदीना के साथ बनाऊंगी, तो ये पुदीना साफ करके रखा है, थोड़ा भी और चाहिए, बाकी का मैं डब्बे में भर दूँगी। फिर पकौड़े के लिए यहाँ पे बैंगन है, आलू है और ये लौकी है, ये तीनों ऐसे पानी में डाल के रखे हैं। यहाँ पे एक प्याज का भी पकौड़ा बनेगा। तो कटिंग चॉपिंग सारी लगभग डन है। ये है गोभी का पकौड़ा, जितना जिसको खाना होगा ना, 2-4 ऐसे नहीं, इतने सारे नहीं बनाऊंगी मैं। और हाँ मैं कच्चा आम लेकर आई हूँ चटनी में डालने के लिए, तो ये चटनी में जाएगा। साथ ही पालक के पकौड़े अगर किसी को खाने होंगे तो उसके लिए पालक हो गया है। और यहाँ पे ये चटनी नहीं, ये थोड़ा सा धनिया है, ये तो जो फ्री में डाल देते हैं ना सब्जी में वो आया था, बाकी मैं अपने अलग से परचेज करके ये वाला धनिया लाई थी। ये जो देसी धनिया होता है ना, ये चटनी में बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू और इसकी खुशबू में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये चटनी में जाएगा, कच्चे आम की खट्टी चटनी में बनाऊंगी, और ये ऐसे ही चीज़ों में जाएगा। तो ये सब सारा डन है।
कटिंग चॉपिंग की सारी तैयारी तो हो ही चुकी है, बचा है अब सिर्फ बेसन को भिगोना। और हर छोटी होली पे ना ऐसे ही शाम को जब पकौड़े बनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम होली पे पापा माँ भी यहाँ थे तो मैं भी उस टाइम को याद कर रही थी, क्योंकि होली के बाद फिर हमने गृह प्रवेश किया था तो उसके लिए वो लोग आए थे, तो होली भी यहीं सेलिब्रेट हुई थी। तो ऐसे ही गरम गरम पकौड़े मैं बना रही थी और सब लोग खा रहे थे, बट अभी फ़िलहाल तो मैं एक ही साथ बनाऊंगी और सब लोग हम तीनों ही हैं तो साथ में बैठ के ही खाने वाले हैं। और पकौड़े टेस्टी टेस्ट वाइज और लुक वाइज अच्छे बनते हैं जब आप बेसन को थोड़ा अच्छे से फेंटें और साथ ही उसको थोड़ा रेस्ट दें। तो मैं बेसन को भिगो करके छोड़ देने वाली हूँ 15-20 मिनट, उसको अच्छे से फेंट लूँगी। और सबसे पहले तो बिना नमक बिना हल्दी बिना कोई मसाले के खाली बेसन, फिटा हुआ बेसन हमको चाहिए। उससे हमारे घर में 5 पकौड़े बनाए जाते हैं और ये पकौड़े फिर होली के जो दहन होता है ना होली का उसके अंदर डाले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कुछ बिना नमक नमक डाले 5 पकौड़े बना के तैयार कर लूँगी वहाँ के लिए, फिर मैं इसी बैटर के अंदर सारे मसाले वगैरह मिक्स कर दूँगी। और बच्चों ने ना तो 1 वीक पहले से हुड़दंग मचाया हुआ है, खूब पानी से खेलते हैं, तो ये भी आज शाम के समय खेल के आया है। दिन में तो ठीक रहता है, शाम के समय में मेरे को लगता है थोड़ा कि कहीं सर्दी वर्दी ना लग जाए यही सब। तो चलिए अब फटाफट पकौड़े में मिला लेते हैं सारे मसाले। तो मैंने इसमें डाला है हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, नमक डालेंगे इसके अंदर। नमक की जितनी ज़रूरत हो ना उससे ज़्यादा नमक आपको ऐड करना है इसके अंदर, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं उनमें कोई मैरिनेशन या सॉल्ट नहीं है तो उसकी भी कमी ये बेसन से ही पूरी हो जानी चाहिए, इतना आपको नमक डालना है। साथ ही यहाँ पे जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा दरदरा ही पिसा हुआ पेस्ट है, इसको यूज़ किया है मैंने 1/2 छोटी चम्मच। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम कम डाली हैं, बहुत ऐसे मुझे डोमिनेटिंग फ्लेवर नहीं चाहिए और हल्के हल्के मसाले बैकग्राउंड में टेस्ट आए तो उससे बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऑप्शनल है, आपको टेस्ट उसका पसंद आता है तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई करके देखिएगा। फिर इसमें हरे धनिया के पत्ते मैंने डाल दिए एकदम महीन कटे हुए, साथ ही अच्छे से इसको दोबारा मैंने थोड़ा फेंट लिया है और एडजस्ट कर ली है कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पानी डाल करके, और फिर हम पकौड़े तलना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने चटनी नहीं बनाई थी, मेरा था कि मैं थोड़ी देर बाद बनाना स्टार्ट करूँगी, बट सिद ने बोला कि मुझे अभी थोड़े से आप बिना चटनी के ही सॉस के साथ थोड़े से बना के दे दो। तो अभी मैंने मिक्स करके 2-3 तरह के उसको बना करके दे दिए, फिर मैं बनाऊँगी चटनी और फिर मैं सारे पकौड़े तलूँगी और फिर हम लोग साथ में एक बार दोबारा बैठेंगे खाने के लिए। कच्चे आम ना मार्केट में अब हर जगह दिखने लगे हैं, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगती है वो खट्टी खट्टी चटनी अच्छी लगती है। ये वाला जो धनिया है ना देसी वाला, ये मिले तो एक बार इससे बनाइएगा चटनी, बहुत अच्छी बनती है। पुदीना है तो डाल सकते हैं, नहीं उसको भी स्किप करके खाली आप उसकी आम और धनिया की चटनी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा धनिया लहसुन हरी मिर्च नमक ये डाला है मैंने, फिर पुदीना के पत्ते डाले हैं, उसके बाद जो मैं आम लेकर आई हूँ कच्चा उसको कट करके इसमें ऐड कर देंगे। ये काफ़ी सारी चटनी है और थोड़ा सा आम मैंने टेस्ट करके देखा तो बहुत ज़्यादा खटास नहीं थी इसमें, तो मैंने 1/2 लेमन भी इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया है ताकि अच्छी एक खटास इस चटनी से आ जाए, और बस थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको पीस लेने वाले हैं। और बस यहाँ पे पकौड़े तलना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ बैंगन के पकौड़े से, फिर आलू गोभी है लौकी है, साथ ही पालक का देखूंगी पूछूंगी सबसे, और प्याज। तो 5 तरह के पकौड़े तो हर साल हम लोग बनाते ही हैं यहाँ भी, और माँ भी ये 5 तरह के तो ज़रूर बनाती हैं, उनको बैंगन और लौकी के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 5 तरह के पकौड़े मैं भी बनाने वाली हूँ।
सारे जब डिप करके फ्राई करने वाले पकौड़े हो गए ना, तो फिर लास्ट में जो बैटर बचा था उसमें थोड़ा बेसन और सूखा मैंने मिलाया, फिर इसमें प्याज ऐसे स्लाइस करके ऐड किए, थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्ची ऐड की, और ये बन रहे हैं लास्ट में प्याज के पकौड़े। और ये हमारी पकौड़े की प्लेट बनके तैयार है। तरह तरह के इसमें पकौड़े हैं और ये आज ना अलग ही बनता है, इनका टेस्ट ही अलग आता है, मैंने हर बार नोटिस किया है। क्योंकि ये पकौड़े भी हम कई बार जल्दी जल्दी में बना लेते हैं ना, लेकिन आज हम पूरे मन से ध्यान से अच्छे से बनाते हैं, जो भी हो इसका रीज़न, लेकिन टेस्ट इनका बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा आता है, एक अलग टेस्ट रहता है आज के दिन के पकौड़ों का। तो इनको मैंने थाली में सजा दिया, चटनी बीच में केचप ऐड कर दिया है, आप चाहो तो जो मीठी वाली चटनी है उसके साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हो, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो। चाय का टाइम थोड़ा चला गया था तो चाय हमने नहीं बनाई, वो ऑलरेडी हमने शाम के समय पी ली है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे ही चटनी के साथ इंजॉय किया। और इस बार तो जो होलिका दहन है उसका मुहूर्त बहुत लेट था, 11:30 के आसपास था, 11:30 के बाद ही स्टार्ट हुआ है सारा प्रोग्राम जो हुआ था, तो बहुत देर तक जागना पड़ा। मुझे याद है 9:30 मैक्सिमम, या कई बार 9:45 तक भी हुआ है, लेकिन इस बार तो बहुत ही लेट था, मतलब सोते सोते ना 1:45 बज गया था हम लोगों को। तो वहाँ का भी थोड़ा बहुत शूट किया है, हस्बैंड और सिद्धार्थ ही जाते हैं, हमारे यहाँ लेडीज़ लोग नहीं जाती हैं, बट यहाँ तो मैं देखती हूँ कि सब लोग पूरा परिवार जाता है वहाँ पे। बट अब मैं शुरू से उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ। एक दो बार मैं भी गई हूँ कभी, जैसे सिद्धार्थ छोटा था तो उसको ले करके, लेकिन वैसे नहीं जाया जाता है, तो मैं नहीं गई थी, ये लोग गए थे। और मीनवाइल ये पकौड़े वकौड़े खा के हमने कल की थोड़ी बहुत तैयारी कर दी। हमेशा ना हस्बैंड मटन बनाते हैं, तो मटन को मैरिनेट करके रख दिया। और दूसरा यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अमचूर की चटनी, जो कि मैं बनाने वाली हूँ कल के लिए भी और आज के लिए भी, मतलब ये तो रहेगी, ये तो फ्रिज में रख लो आप, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना महीना आराम से खा सकते हो। और ये बहुत इंस्टेंट वाली चटनी है, जब हम इमली की चटनी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा तामझाम होता है, लाइक पल्प निकालना, उसको पकाना भी काफ़ी पड़ता है, लेकिन अगर आपको झटपट मीठी घर की बनी हुई चटनी चाहिए, खट्टी मीठी चटनी, तो आप इंस्टेंटली अमचूर की चटनी बना सकते हो, जो कि विद इन हाफ एन आवर बनके तैयार हो जाती है, उससे भी कम समय लगता है इनफैक्ट, और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा टेस्टी वाला स्वाद आता है। और जो समोसे वगैरह के साथ बाहर मिलती है ना, वो ऐसे ही ज़्यादातर अमचूर की होती है। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप अमचूर का पाउडर लिया है, रेगुलर वाला जो भी आपके घर में हो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पहले इसको घोल लिया था ताकि लम्स ना आए, उसके बाद मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड कर दिया धीरे धीरे करके, और फिर हम इसको चढ़ा देंगे आँच पे और इसमें हम बॉईल लगाना स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल इसके अंदर हम गुड़ भी ऐड कर देंगे। तो जैसे 1/3 कप मैंने यहाँ पे अमचूर लिया था, तो उसका 4 गुना तक आप इसके अंदर गुड़ डाल सकते हो या शुगर डाल सकते हो। मैंने पहले थोड़ी कम डाली, फिर मैंने टेस्ट करके देखा तो मुझे लगा कि इसमें बहुत गुंजाइश है अभी, तो फिर मैंने एक बड़ा सा बट्टी होती है ना जो गुड़ की, वो फिर से और डाल दी थी। तो आप टेस्ट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या कमी घटा है, फिर आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, साथ ही ये भुना हुआ जीरा है इसका पाउडर मैंने डाला है 1/2 छोटी चम्मच, साथ ही इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, तो 1/2 छोटी चम्मच आप गरम मसाला भी ऐड करें। फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/2 छोटी चम्मच सादा नमक, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, 1/2 छोटा चम्मच ही मैंने इसके अंदर काला नमक भी यूज़ किया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सौंफ ली है, और ये थोड़ी मीठी वाली जो सौंफ होती है ना, छोटी वाली, वो सौंफ है,
तो एकदम 1/4 टीस्पून वो सौंफ मैं डाल रही हूँ, हल्का सा मुझे फ्लेवर चाहिए उसका। और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको बॉईल कर लेना है। अभी आप यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हो, लाइक खजूर छोटा छोटा कट करके ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, मेलन सीड ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही उबालने वाली हूँ। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि लास्ट में हम कुछ ट्विस्ट करने वाले हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। फ़िलहाल हम इसको कम से कम 10 से 12 मिनट उबाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी देख करके कि भाई अब ये पक गया है, तब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे फिर से मैं बेसन लगा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा खाने का मन हुआ ना, चाट जैसा तो इच्छा हुई, तो मैंने कहा जब सारी तैयारी है तो चलो दोबारा बेसन लगा लिया जाए। और फिर यही डिनर हो गया था हमारा। कढ़ी चावल मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था क्योंकि पकौड़े खा के और फिर ये चाट खा के ना मन भर गया था एकदम, तो हमने बस वो जो शगुन का टेस्ट होता है वो कर लिया था एक एक चम्मच बस, बाकी हमने यही खाया था आज। तो यहाँ पे सारे मसाले धनिया वगैरह ये सब डाल करके मैंने बेसन का घोल बना लिया है। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड नहीं करना है इस वाले में, और जस्ट आपको अच्छी तरीके से इसको भी फेंट लेना है लगभग 2 मिनट के लिए। और जो मैं ट्विस्ट बता रही थी चटनी में, वो ये है कि हम इसको जैसे आप फ्रिज में चटनी रख लो और उसके बाद सर्व करते समय इसमें ये ट्विस्ट कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी लगती है। और आप ऐसे भी इसको खा सकते हो साइड में एज अ डिप की तरह खाने के रख के ना, बहुत अच्छी लगेगी। तो थोड़े से अनार के दाने और थोड़ा सा यहाँ पे केला लिया है मैंने जिसको स्लाइस कर लिया है, और बस चटनी इसमें डाली, अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब इसको किसी चाट पे यूज़ करो या ऐसे भी, मुझे खाने में ये बड़ा अच्छा लग रहा था। आप इसमें प्याज व्याज डाल करके जो वो होते हैं ना कुलचे, कुलचे के साथ इसको इंजॉय कर सकते हो, तो बहुत ही यमी लग रहा था ये। इसको मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ वो आगे मैं आपको दिखाऊँगी। तो बैटर हमारा तैयार है और यहाँ पे पालक के पत्ते भी तैयार हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पालक के पत्ते की चाट। तो इसके लिए आपको एक एक पत्ता फ्राई करना होता है विद बेसन। तो ये जो बेसन का बैटर बनाया है मैंने, इसी के लिए बनाया है। इसमें एक साइज़ के पत्ते आप ले लीजिए और उनको इस तरीके से डिप कर करके आप डालते जाइए। ये वाले पत्ते एकदम क्रिस्पी, जैसे पापड़ी होती है ना, उतने क्रिस्पी ये बनके तैयार होते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे ही इंजॉय करना चाहते हो एज़ पकोड़ा, तो आप ऐसे खा सकते हो, फ्राई करो, निकालो और चटनी लगा के खाओ। लेकिन एक स्टेप हम आगे जाएंगे और इससे हम चाट बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले ये सारे पत्ते तल के निकाल लेते हैं, फिर चाट को असेंबल करते हैं। और अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो पत्ते ना रोटी की तरह फूल जाते हैं, मतलब कहने को तो इतना पतला पत्ता होता है, लेकिन देखिए बलून बन गया हो जैसे, और सच में 2 लेयर में ऐसे हो जाते हैं। ऊपर से देख के भी आपको पूरा पत्ते का स्ट्रक्चर दिखता रहता है, तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये एकदम क्रिस्पी, मतलब हाथ से अगर आप दबाओगे ना तो पूरा चूर चूर हो जाएंगे, ऐसे क्रिस्पी होते हैं ये इस टाइम। तो इस तरीके से करके मैंने सारे पालक के पत्ते कर लिए हैं फ्राई। अब इनको करते हैं असेंबल। सबसे पहले हम इसी की लेयर लगाएंगे, जैसे हम पापड़ी लगाते हैं ना, उसी तरीके से आपको इसे लगाना है। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स में कटे हुए बॉयल पटेटो हैं, तो बॉयल आलू भी रखा हुआ था तो वो भी यहाँ पे यूज़ आ गया। और प्याज ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो आप इसके बिना भी रख सकते हो इसको। उसके बाद थोड़ा फ्रेश टाइप का आपको दही लेना है, जो थोड़ा ज़्यादा पुराना ना हो, ज़्यादा खटास ना हो, उसमें क्रीमी एंड स्वीट दही चाहिए हमें इसके लिए। और दही के अंदर 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक डाल करके आपको फेंटना है। तो वो फेंट के मैंने रख लिया था दही, और इसकी एक लेयर आपको इसके ऊपर लगानी है। फिर ये खट्टी खट्टी हरी चटनी हमें डालनी है इसके ऊपर। साथ ही हमने जो बनाई है खट्टी मीठी चटनी, वो हम डालेंगे, वो वाली चटनी जो हमने अलग से बाउल में अनार के दानों और केले के साथ करके रखी है ना, ये आप इसमें पूरा अच्छे से लेयर कर दीजिए। थोड़े से अनार के दाने और डाले हैं, एकदम महीन कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दिया है मैंने।
एक पिंच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है ऊपर से। चाट मसाला वगैरह चाहें तो आप डाल सकते हो, बट मेरे ख्याल से इतने फ्लेवर्स बहुत थे इसके लिए। और इस तरीके से ये स्लाइस को आपको उठाना है। देखिए ये इतने करारे हो जाते हैं कि ये पत्ते ऐसे उठ के हाथ में आ जाते हैं पापड़ी की तरह। तो बस इसको ऐसे उठाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही क्रंची करारे बनते हैं। हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर आप थोड़ी देर इनको छोड़ देंगे ना तो सॉगी हो जाते हैं फिर, तो इनको तुरंत बना के तुरंत खाइए तो ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। और बस यही था समझिए हमारा डिनर। और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि छोटी होली पर आपके यहाँ कौन कौन से रिचुअल होते हैं, साथ ही क्या बनाया जाता है। एक स्पेसिफिक खाना होता है मुझे पता है हर जगह का कि इस दिन ये बनता ही बनता है, तो आपने क्या बनाया क्या किया। और अभी तो होली का व्लॉग आना बाकी है जो कि मैं शायद कल आपके साथ शेयर करूं, और कल हमने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या बनाया खाया वो भी शेयर करूंगी। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना होली और छोटी होली में क्या स्पेशल किया आपने। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।